press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो बहादुर और बेबाक मुस्लिम महिलाओं को, जहां आप एक तरफ देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाज़िया अली खान। बहुत शुक्रिया नाज़िया, क्या पाई हैं, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। मैं नाज़िया अली खान और हमेशा की तरह मैं आई हूँ अर्जु जी के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया। और हमें ऐसे ही हंसती मुस्कुराती नाज़िया अच्छी लगती हैं, और जिस तरह से काम करती हैं सारे वक्त, कभी इधर जा रही हैं कभी उधर भागी जा रही हैं, वो देख के मैं पहले भी नाज़िया से कह रही थी कि डेफिनेटली उनको देख के बहुत से लोग इंस्पायर होते होंगे, खासतौर पे लेडीज के, हम भी काम कर सकते हैं और हम भी अपनी एक पोजिशन बना सकते हैं, और अपने खुद के बलबूते पे, किसी और के कंधे पे रख के। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हस्बैंड हो, भाई हो, बाप हो, बेटा हो, किसी के, उसके बगैर लेडीज अपना जो है वो एक पोजीशन बना रही हैं आजकल, और नाज़िया उसकी एक बहुत जबरदस्त किस्म की एग्जांपल है। थैंक यू नाज़िया कि आपसे लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं और लोग सीख रहे हैं कि हम काम कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है कि अगर हमें अपने सामने खाना रखना है तो हम खुद खरीद के ला सकते हैं और खुद खा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ज़ाकिर नाइक की। वैसे डॉक्टर उनको कहा जाता है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों डॉक्टर लगाते, मुझे कुछ अजीब लगता है उनके साथ, लेकिन नहीं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तो हमारे हम आजकल आए हुए हैं, और उसके बाद उनकी जो दुर्गत बन रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन मुझे सबसे पहले बताइए कि ये इनको भगोड़ा ज़ाकिर नाइक का टाइटल भारत ने क्यों दिया है और ये भाग क्यों गए भारत से। सबसे पहले तो मैं आपको आरजू जी ये बताऊं कि ये टाइटल सबसे पहले मेरा दिया हुआ था। मैंने नेशनल न्यूज पर सबसे पहले कहा था भगोड़ा आतंकी जाहिल नायक। सही जी, उसके बाद वो इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया, एंड आई फील वेरी ग्रेट कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर उसको वही नाम से पुकारा जाए तो बहुत अच्छा होगा। और मैंने ज़ाकिर नायक का नाम रख दिया जाहिल नालायक। सही। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट अर्जु जी, मुझे वो व्यक्ति पेडोफाइल लगता है। मुझे वो व्यक्ति पेडोफाइल लगता है, और मैंने देखा है कि उसको महिलाएं जो है ना वो सिर्फ बेड पर ही अच्छी लगती है, सवाल करती हुई महिला से वो बहुत नफरत करता है, काउंटर क्वेश्चंस करती हुई महिला से वो बहुत नफरत करता है, और शिक्षित तो जो वेल एडुकेटेड सेल्फ डिपेंडेंट महिला होती है उससे उसको बहुत जलन होती है, बहुत हसद होती है, क्योंकि उसने तो कभी कोई काम किया नहीं है, कोई जॉब नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया है, उसने आतंक फैलाने का काम किया है और चूरन बांटने का सबको काम किया है। वो एक जमाने से सबको चूरन बांट रहा है और चूरन चटा रहा है, और उसी का वो पैसा कमा कमा करके अपनी लाइफ को लाविश कर रहा है। बहुत खूबसूरत मुद्दा आपने छेड़ा है, हालांकि ज़ाकिर नायक शक्ल से बहुत बशक्ल है, लेकिन मुद्दा बड़ा खूबसूरत है। और मैं जब मैं उसकी एक चीज मैं जरूर, क्योंकि हर जगह तो ऐसे बात नहीं किया जा सकता है ना, तो मैं आपके साथ वो बहुत फ्री होकर के बात कर लेती हूँ। एक तो वो जब वो बातें करता है ना तो उसके मुंह में जो थूक आता रहता है और वो ऐसे ऐसे करके साफ करता है। I swear, मुझे ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी। मुझे लगता है शायद वो जो बहुत सारा लैगेज लेकर आए थे, शायद वो टिश्यू पेपर्स या इस तरह के कोई चीजें होंगी मुंह साफ करने की, जिसका इतना वेट हो गया, जो पाकिस्तान लाते ही वो रो पड़े थे, ड्यूटी देनी पड़ गई। टिश्यू का इतना वजन तो नहीं होगा, मुझे लगता है कॉन्डम लेकर आया था बहुत सारा। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं मिलेगा, यहाँ कोई नहीं मिलेगा, किसी को ऐसे आदमी का शौक नहीं है, तो उसका उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेडीज ने ऐसे ऐसे सवाल किए जिससे मुझे बहुत खुशी हुई, बड़े टफ क्वेश्चंस किए। इवन मुझे खुशी हुई भारत से बैठे बैठे। हाँ। मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने नेशनल न्यूज पे बोला है, मैंने आरजू जी नेशनल न्यूज पे बोला है कि
मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ पाकिस्तान की महिलाओं को कि उन्होंने हिम्मत दिखाई है और काउंटर क्वेश्चंस किया है. इवन कुछ लड़कों का जब मैंने सवाल सुना है और जब वो कह रहे हैं सुनिए टाइम मत वेस्ट कीजिए जाकिर जी, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए. और आपको पता है केपीके बहुत कंजर्वेटिव एरिया है पाकिस्तान का, वहां की लड़कियां निकल कर आई और उन्होंने इस किस्म के क्वेश्चंस किए जिससे पसीने आ गए जाकिर नाइक को. मैंने बहुत अप्रिशिएट किया है. अच्छा होता क्या था ना, मैं आपको बताती हूँ होता क्या था कि जाकिर नायक जब भारत में अपना मंच सजाता था और लोगों की भीड़ लगती थी तो पेडोफाइल मानसिकता रखने वाले मुसलमान ही उसके पास जाते थे सुनने के लिए, 72 वर्जिन हूर के दीवाने ही जाते थे उसकी बातों को सुनने के लिए. और 13 साल की 6 साल की 8 साल की बच्ची में जो औरत तलाश करता है वही मुस्लिम पुरुष जाते थे उसकी बातें सुनने के लिए. तो वो काउंटर क्यों करें, उनको तो उसकी बात में बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है कि 12 साल 8 साल की यतीम बच्ची को देखो और कह दो गैर महरम है, हम बगल में नहीं खड़े होंगे नहीं तो मेरे औजार में करंट लग जाएगा, साइड हो जाओ जल्दी से. अवार्ड नहीं देंगे उनको, बच्चियों को यहाँ पर तो अवार्ड देने से मना कर दिया. हाँ तो क्योंकि वो पेडोफाइल है ना. हाँ. बच्चियों को देखने से उसके गुप्त अंग में करंट महसूस होता है, उसको उसको करंट लगता है. लेकिन वो पाकिस्तानी फीमेल एंकर के साथ तो बैठा है, फिजा खान के साथ बैठा है, एयर होस्टेस के साथ, पाकिस्तानी एयर होस्टेस के साथ उसने फोटो खिंचवाया है, बहुत सारी पाकिस्तानी मिडिल एज की वुमेन औरतों के साथ उसने पॉडकास्ट किया है, तब उसको महरम और गैर महरम नहीं दिख रही थी. पर जैसे ही वो 12 साल 13 साल 9 साल 8 साल की यतीम बच्चियों को देखा, उसका पेडोफाइल का शैतान जो है ना वो उबल उबल करके बाहर आने लगा, बाहर आने लगा. इसलिए उसने अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दिया है. हाँ मैं आपको क्या बता रही थी कि भारत में हिंदूज तो एक्चुअली में अल कुरान में क्या लिखा है वो जानते नहीं है, अरबी अरबी का अर्थ क्या होता है वो जानते नहीं है, और मुस्लिम यहाँ पर वो मेजोरिटी उसके फॉलोअर है जो बहुत अश्लील है, बहुत बेहुदा और बदतमीज टाइप के, जिनसे हमेशा अल कुरान के मानने वाले मुसलमान जो पड़े रहते हैं. भैया हमको उस मोहल्ले में नहीं जाना है क्योंकि उस मोहल्ले के लोग जो है ना वो मजारी बाबा है, वो अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने वाले बाबा लोग हैं, वो अगरबत्ती का छाई यहाँ पर लगाने वाले लोग हैं, हम उस मोहल्ले में नहीं जाएंगे. तो उसी तरीके से जाकिर नायक का जब यहाँ पर सवाल लगता था तो वो मुसलमान हम जैसे मुसलमान कभी नहीं जाते थे जो अल कुरान पर चलते हैं, सुन्नत रसूल पर चलते हैं, वो मुसलमान जाते थे जो मजारी बाबा होते थे, जो बच्चियों में भी औरत तलाश करते थे वो जाते थे. लेकिन बड़ी मेजोरिटी तो हिंदुओं की होती थी ना, तो वो तो उनको काउंटर क्वेश्चन कर नहीं पाती थी. लेकिन पाकिस्तान में आपका क्योंकि इस्लामिक देश भी है और अल कुरान की तालीम तो हर घर में हर बच्चे को हर बच्चियों को दी गई है, इवन जो क्रिश्चियंस हैं उनको भी इस्लाम के बारे में पता हो चुका है, जो हिंदूज हैं उनको भी इस्लाम के बारे में पता हो चुका है क्योंकि वो इस्लामिक देश है इसीलिए. तो वहां पर क्या हुआ है कि जाकिर नायक की पैंट गीली हो रही है कि भाई यहाँ पर तो लोग मुझसे काउंटर सवाल कर रहे हैं भाई. और उसको हैबिट क्या है भारत की, भारत में वो जो अनाप शनाप अब्बा डब्बा चब्बा जो बक रहा है वो मुसलमान अरे वाह जाकिर साहब, अरे वाह जाकिर साहब क्या अर्ज किया है, क्या फरमाया है आपने, अरे जाकिर साहब. मगर फिर भागे क्यों वो भारत से? भागे भारत से क्योंकि उनके ऊपर तो भाई टेररिज्म के चार्जेस लग गए. उन्होंने सिर्फ हेट स्पीच की बात नहीं थी, हेट स्पीच पर तो उनके ऊपर कोई केस ही नहीं हुआ है, हालांकि उन्होंने यहाँ पर हेट स्पीच का पूरा झड़ी लगा दिया था. जिस तरीके से वो पाकिस्तान में अभी इजराइल को गालियां परोस रहे हैं, हिंदुओं को गालियां परोस रहे हैं, बांग्लादेश के टेररिज्म फैक्ट्रीज को समर्थन कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो बहु बेटियों का रेप हो रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं, तो वैसा झड़ी तो उन्होंने यहां भी लगाया था लेकिन उनके ऊपर हेट स्पीच का कुछ भी नहीं एफआईआर हुआ था. उनके ऊपर टेररिज्म एक्टिविटीज का एफआईआर हुआ था क्योंकि उन्होंने जो स्कूल और कॉलेज खोला था उसमें कई स्टूडेंट्स अरेस्ट हो गए थे जो पाकिस्तान के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व थे, और उनके स्कूल में शिक्षा कम और टेररिज्म ट्रेनिंग ज्यादा होती थी, ये है बात. और स्कूल इतना मतलब एक्सपेंसिव था कि मैं तो भाई मेरा बेटा नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल भी नहीं, इतना एक्सपेंसिव था.
मगर नाजिया उनको सजा देने के बजाय या कोई कानून उनके ऊपर अप्लाई होता उसके बजाय उनको निकल जाने दिया, भाग जाने दिया, ऐसा कैसे? देखिए, भाग जाने नहीं दिया। कांग्रेस का एक अम्ब्रेला हमेशा आतंकियों के ऊपर रहा है और दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के इतने बड़े मंत्री रहे हैं और कांग्रेस में उनकी तूती बोलती थी दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के जमाने में दिग्विजय पूरे देश का समझिए सिपा सलार था भारत देश का, और सोनिया एंटोनियो का काफी करीबी आदमी था, काफी करीबी आदमी था, और बहुत कम एज की लड़की से भी उसको शादी करना पड़ा था क्योंकि उस लड़की को उसने मोलेस्टेशन या इंटीमेट रिलेशन किया था पैसे वैसे का पावर का लालच दे करके। बाद में वो लड़की एकदम चढ़ गई सीने पर और दिग्विजय को बोली मुझसे शादी करनी पड़ेगी तुमको, अदरवाइज हम तुमको जेल करवाएंगे। अगर कोई भी गूगल में जाएगा तो पता चल जाएगा कि दिग्विजय ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी किया था। तो दिग्विजय जो है वो जाकिर नायक को बहुत समर्थन करता था। अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसे वैसे का काम होता होगा, या क्योंकि गांधी परिवार हमेशा से पाकिस्तानी माइंडेड रहा है तो वो एक आतंकी जिहादी लोगों का वोट बैंक के लिए समर्थन वो लोग करते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अंदेशा है, दिस इज माय पर्सनल परसेप्शन, दिस इज माय पर्सनल स्टेटमेंट, कि कहीं ना कहीं उसको भागने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है, क्योंकि दिग्विजय मंच पर खड़े होकर के जाकिर नायक की तारीफ करता था और जाकिर नायक उसी मंच पर हिंदुओं को गालियां परोसता था जैसे वो अभी भी परोस रहा है, ठीक वैसे ही वो हिंदुओं को, क्रिश्चियन को, सिख को, ईसाई को, सबको गालियां परोसता था और दिग्विजय उसको गले लगाता था और कहता था अरे आप जैसा व्यक्ति के हम गले लग रहे हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे जो सिनेरियो और जो चीजें मैं हमने देखी हैं उस हिसाब से लगता है कि कांग्रेस ने उसको भागने में बहुत हेल्प किया और जिसकी वजह से वो भाग पाया, अदरवाइज कभी नहीं भाग पाता, कभी भी नहीं भाग पाता। जैसे यासिन मलिक भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं भाग पाया, अफजल गुरु भागने की कोशिश कर रहा था नहीं भाग पाया, अटल जी की सरकार हुआ करती थी, उसके बाद फिर याकूब मेमन भागने की कोशिश कर रहा था नहीं भाग पाया, अजमल कसब वो पूरा सिनेरियो तो सबको पता ही है, लेकिन उस पर भी देखिए कांग्रेस ने 30 करोड़ रुपए खर्च किया था अजमल कसब की हॉस्पिटैलिटी में। कांग्रेस ने उनको, अजमल कसब को जैसे आतंकी जिहादी को मुसलमान एडवोकेट दिया था कि तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे जज्बात को ये मुसलमान है तो समझ पाएगा कि तुमने क्यों गोलियां चलाई, तुमने लाखों लोगों को क्यों मृत्यु के घाट उतारा। तो जाकिर नायक कभी नहीं भाग पाता अगर भाजपा की सरकार। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और नाजिया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे आपने देखा दोनों मुस्लिम महिलाओं ने मिलके जाकिर नायक को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।